आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो ये त्योहार हिंदुओं का है, लेकिन कहा जाता है कि मुगल बादशाहों ने भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया। हमने किताबों में पढ़ी है और मुगल इतिहास में भी बादशाह हुमायूं को राजपूत रानी कर्णावती की ओर से राखी भेजे जाने का जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने राजपूत बहन की राखी की लाज रखी थी। हुमायूं के चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, लेकिन हुमायूं ने चित्तौड़गढ़ के दुश्मन बहादुर शाह को युद्ध में परास्त कर किले को आजादी दिलाई थी। कहानी कुछ ऐसी है कि गुजरात पर शासन कर रहे कुतुबुद्दीन बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान वहां की महारानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को एक पत्र भेजा और पत्र के साथ साथ एक राखी भी भेजी और कहा कि इस बहन की रक्षा करो। इसके बाद हुमायूं तुरंत मदद के लिए निकल पड़ा था। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले रानी ने जौहर कर लिया और बाद में हुमायूं ने चित्तौड़ के दुश्मन को हरा दिया। इस घटना को रक्षाबंधन से जोड़ दिया गया। बताया जाता है कि अपने पिता हुमायूं की तरह अकबर भी रक्षाबंधन का पर्व मनाता था। इसका पहला कारण तो यह था कि अकबर का राजपूत घराने से संबंध था और दूसरा कारण यह था कि अकबर के दरबार में कई दरबारी हिंदू थे। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है कि अकबर ने रक्षाबंधन के दिन दरबार में ही राखी बंधवाने की परंपरा शुरू की थी। अकबर को राखी बांधने के लिए इतने लोग दरबार में पहुंचते थे कि पूरा पूरा दिन अकबर का दरबार में राखी बंधवाते हुए गुजर जाया करता था। सिर्फ हुमायूं और अकबर ने नहीं, बल्कि उसके बाद मुगल सम्राट जहांगीर ने भी रक्षाबंधन को बड़े ही धूमधाम से मनाया और कलाई पर राखी भी वो बंधवाते थे। अकबर की ओर से दरबार में राखी बंधवाने की परंपरा को जहांगीर ने भी आगे बढ़ाया और उसमें एक कदम और आगे बढ़ गए। खास बात ये थी कि अकबर सिर्फ दरबारियों के परिवार के लोगों से ही दरबार के अंदर बैठकर राखी बंधवाते थे, जबकि इतिहास में जिक्र है कि जहांगीर ने आम लोगों से उनके बीच जाकर राखी बंधवाने की परंपरा शुरू की थी। हालांकि जहांगीर के बाद से शाहजहां के जमाने में दरबार के अंदर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा थोड़ी सी कम हो गई और जब औरंगजेब आया तो इस दौरान तो पूरी तरह से रक्षाबंधन के त्यौहार पर रोक लगा दी गई। औरंगजेब ने एक आदेश जारी कर सभी हिंदू त्यौहारों के मनाने पर रोक लगा दी थी। ये आदेश उस वक्त औरंगजेब के शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ था। तो ये है मुगल काल में रक्षाबंधन मनाने का इतिहास, जिसकी शुरुआत हुमायूं ने की ऐसा माना जाता है। हालांकि कई लोग इसे मनगढ़ंत कहानी भी बताते हैं और कहते हैं कि जोधा और अकबर की कहानी जितनी झूठी है, उतनी ही हुमायूं के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की कहानी झूठी है। उनका मानना है कि हुमायूं ने राखी का त्यौहार नहीं मनाया था। इसके बारे में किसी और वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई आखिर इसकी सच्चाई क्या है। बाकी मुगल काल में जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का इतिहास है, जो मैंने अभी इसके बारे में बातचीत की, जो किताबों में भी इस बात को पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।